झूलेलाल जयंती पर निकली शोभा यात्रा, देवेंद्र भाटिया ने किया जोरदार स्वागत। सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल की जयंती आज बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। शोभा यात्रा निकाली गई जिसका जगह जगह स्वागत हुआ। गुरुवार को भगवान झूलेलाल की जयंती पर सीपी बाजार मसीहागंज स्थित सिंधी गुरुद्वारा से समाज के अध्यक्ष मनोहर लाल मोडवानी के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूप आगे आगे चल रहे थे। साथ ही शोभा यात्रा डीजे बैंड बाजे के साथ सिंधी धर्मशाला से होते हुए सुभाष मार्केट से होते हुए रामाबुक डिपो चौराहा आर्य कन्या छोटी माता मंदिर होते हुए नंदनपुरा आवास विकास से पहुंच नदी पुल पर समाप्त हुई। इस दौरान देवेंद्र भाटिया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान शशांत गुरनानी गौरव गुरनानी हेमंत लाला सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। हेमंत लाला अच्छे पूछ सिंधी पंचायत सीपी बिहार झांसी। आज कौन सी यात्रा रेख के संबंध में कर रही है? आज हमारे इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल का जन्म उत्सव है, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने ये जुलूस निकाला था। कहां पे निकाला है और कहां पे जा रही है? ये पूजी सिंधी पंचायत सीपी बिहार झांसी से निकाल के पूरा सुभाषगंज भ्रमण किया है और ये पहुँच नदी में अपन इनका जुलूस का विसर्जन करने जा रहे हैं। इसमें कम से कम 400-500 आदमी करीब बाकी रहे हमारे समाज के लोग और बड़ी धूमधाम से उसको मनाया गया। और बाबूलाल तिवारी जी हमारे राजा बुद्धिलाल जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। हमारे इष्टदेव भगवान श्री झूलेलाल का स्वरूप रहा, साथ में राधा कृष्ण जी रहे, शिव पार्वती शिव परिवार रहा और रानी लक्ष्मीबाई की शोभा यात्रा बग्गी पे हम लोगों ने निकाला। आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार भाटिया। आज आपके यहाँ किस चीज की शोभा यात्रा, आपने क्या किया? हमारे यहाँ से आज झूलेलाल भगवान की शोभा यात्रा निकली। इसकी जोत सिंधी धर्मशाला मसीहागंज से चालू होकर पूरे सीपरी बाजार में भ्रमण करके इसके बाद पहुंच नदी पे विसर्जित की जाएगी। आज आपने क्या कार्यक्रम किया? उसमें हम लोगों ने मतलब जो है प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद को बांटा और झूलेलाल भगवान को पुष्प अर्पित किए और लोगों के ऊपर फूल की वर्षा करी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कि सिंधियों में इतनी एकता होना चाहिए, जैसे आज हमने 500-700 आदमी को इकट्ठा करके इस तरह से शोभा यात्रा निकाली, ऐसे हर प्रोग्राम में आगे सिंधी लोग रहे जिससे